तो चलिए आज हम 10 इंच के स्पीकर की वाइंडिंग करेंगे, जिसकी एक सिंपल प्रोसेस जो 4 ओम का 100 वाट का ये 10 इंच का स्पीकर है, तो इसकी सिंपल वाइंडिंग प्रोसेस आज मैं आपको बताता हूँ, जो अपने माध्यम से मैंने इसे पहले बार बनाया था। जो देखिए इस प्रकार से हम इसको बहुत आसानी से किसी भी प्रकार के स्पीकर हो उसकी वाइंडिंग हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जिसमें इसमें क्या क्या सामान लगता है मैं आपको दिखाता हूँ। जो इसमें लगने वाला सामान है, पेपर लगेगा, तो पेपर को हम सबसे पहले पतले पतले काट लेंगे। तो इसे मैं इस प्रकार से पेपर को कट करके जो इसके बीच में जो ये सॉफ्ट दिख रहा है उसके चारों ओर इसको मैं इसको लगा दूंगा। देखिए इस प्रकार हम इसको यहाँ पर लगा देंगे। लगाने के बाद व्यवस्थित करके अब इसमें क्वाइल को अच्छे से बिठाएंगे, यहाँ रखना है ताकि इसको चिपका कर रखे। इसको क्वाइल को आगे पीछे नहीं होने देता। इस प्रकार से हम पेपर के टुकड़े को इसको व्यवस्थित करके एक जगह पर रखने का कार्य करता है। अब हम क्वाइल को जितने में इसके रखेंगे वो ये टाइट जाएगा। देखिए इसको हम सावधानी से इसको मजबूती से टाइट करेंगे और हम इसको देखिए जितने जगह में क्वाइल को रखना है उसको हम व्यवस्थित करेंगे सबसे पहले, और देखेंगे कि स्पीकर इसकी देखिए जो इसकी क्वाइल दिख रही है वो जो इस बॉडी के बराबर जो दिख रही है। देखिए इस प्रकार इस परत थोड़ी सी क्वाइल बाहर की तरफ दिख रही है, जो जो मैग्नेट वाला जो क्वाइल बॉडी में लगा है वहाँ तक एडजस्ट करके रहेगा। इस प्रकार हम स्पाइडर को इस प्रकार से उसे फैला लेंगे। इसका एक फार्मा है मेरे पास जो इसको फैलाने का कार्य करता है, तो मैं आज इस फार्मा को फैला लिया हूँ। देखिए और व्यवस्थित करके इस प्रकार से इसको यहाँ पर देखेंगे, और देखने के लिए सबसे पहले हम लगा के देख लेते हैं। इस प्रकार ये लगेगा तो हम इसमें अब बॉन फिक्सर जो बाज़ार में 10 रुपये में आपको मिल जाएगा, और एक फेविटाइट जो लीड निकालने के लिए हैवी गोंद की एक ज़रूरत होती है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें बॉन फिक्स सभी तरफ अच्छे तरह से कर लेंगे, और इसको हम यहाँ पर क्वाइल के ऊपर अच्छी तरह से रख के लगा लेना है। देखिए इसे ऐसे ताकि ये ना फिसले और अच्छी तरह से लग जाए। देखिए ये बहुत अच्छा से अप्लाई। अब इसमें हम इसकी कैप और जो इसकी पर्दा है पर्दा लगाने की, अब इसके ऊपर हम पर्दा लगाएंगे। क्वाइल लग गया, इसके बाद स्पाइडर भी व्यवस्थित लग गया है उसी जगह पे जहाँ पर हमें लगाना है। इसे हम अब अच्छी तरह से देखिए ऐसे चिपका लेते हैं ताकि ये ना निकले। तो हम इसको बोन फिक्स लगाने के बाद चारों ओर अच्छे से चिपकाएंगे, और अब क्वाइल और स्पाइडर के बीचों बीच बड़े स्पीकर में वाइंडिंग करते हैं, तो कुछ हैवी ग्लू को उपयोग करेंगे ताकि वो ना निकले, मजबूती से लगा रहे। तो देखिए मेरे पास ये फेविटाइट था जो बहुत अच्छा बॉन फिक्स के मुकाबले इस ग्लू का उपयोग हम इस क्वाइल और स्पाइडर दोनों को जोड़ने के लिए करेंगे। तो इसको हम दोनों को थोड़ा थोड़ा निकाल लेंगे फेविटाइट को। देखिए इस प्रकार हम इसको एरल टाइट को थोड़ी थोड़ी से निकाल लेंगे, और इसको अब मिक्स करके हम इसके दोनों क्वाइल और स्पाइडर के बीचों बीच
इसको जोड़ने के लिए इस ग्लू का उपयोग करेंगे। तो इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इसको एक पेपर लेंगे या इस पेचकस की सहायता से हम उसमें लगाएंगे। तो देखिए इसको धीरे धीरे से, ये ध्यान रखना है इस प्रकार आप ग्लू लगाओगे तो ये ग्लू बीच वाले शाफ्ट में ना लग जाए। अगर लग गया तो कॉइल अप डाउन ऊपर नीचे नहीं होगा, ये नहीं खिसकेगा और स्पीकर का जो वाइब्रेट की क्वालिटी है, जो साउंड की क्वालिटी है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो हम देखिए उसके ध्यान में रख कर अब हम इस पर्दा को उसके ऊपर इस प्रकार से सबसे पहले फैला कर उसको, देखिए नहीं फैल रहा है तो ये छोटा है, तो इसको हम इसकी जगह को बड़ा करेंगे उस कॉइल की साइज में, ताकि कॉइल में ये अच्छी तरह से लग जाए। तो इसके लिए इसको हम सबसे पहले बड़ा कर लेते हैं, देखिए इस प्रकार, और पर्दा को इसमें इसके ऊपर लगाएंगे। और ये देखिए इसके लीड जो कॉइल के दो वायर निकले हैं, इसको हम देखेंगे कि इसको ऊपर कर देना है। और देखिए कॉइल को साइज में करने के बाद हम इस पर बॉन्ड फिक्स वाले ग्लू को सभी तरफ पर्दा के लगाएंगे। लगाने के बाद देखिए ये अच्छी क्वालिटी से बहुत अच्छे तरीके से अब इसको हम व्यवस्थित करके लगा लेते हैं, ताकि पर्दा अच्छी तरह से इसकी बॉडी पे चिपक सके, ना निकले। तो हम इसको अच्छे से फैला लेंगे और इसमें लगाएंगे। अब किसी भी प्रकार की स्पीकर बनाने के लिए इसकी कॉइल का होना, कॉइल को ढूंढोगे तो आप कॉइल पर्दा और स्पाइडर आपको इलेक्ट्रिक पार्ट्स सेंटर पे ये आपको आसानी से मिल जाएगा, जो इसका कार्य करते हैं। और आप इसे बहुत सस्ते में वाइंडिंग कर सकते हैं। तो देखिए अब इस पर्दा को हम इसके ऊपर रखेंगे और अच्छी तरह से इसको व्यवस्थित करेंगे, और इस वायर को जो इसके लीड वाला वायर है उसको ऊपर करेंगे। और इसे देखिए इसको ऊपर करके हम धीरे से इस प्रकार से इसे घुमाकर व्यवस्थित करके हम इसे पूरे अच्छे प्लेन सहायता से रखेंगे। और देखिए लीड को अच्छे तरह से पकड़ के रखेंगे इसको, और दोनों लीड ऊपर पे आ जाने पर इसे हम धीरे धीरे से हाथ से दबाते हुए सभी तरफ इसको प्लेन से दबा देंगे अच्छा तरह से, ताकि ये ना निकले और चिपक सके। दबाने का देखिए हम इसको दबा लिए हैं। इस प्रकार ये वाइंडिंग, स्पीकर की वाइंडिंग जो 12 इंच, 15 इंच, 18 इंच बड़े बड़े स्पीकर आते हैं, सभी की वाइंडिंग इसी प्रोसेस से पूरे होते हैं। सबका एक अलग अलग विधि होता है। मैं इस प्रकार इसकी वाइंडिंग करता हूँ, जिसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और आपके स्पीकर में अगर आप वाइंडिंग कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी को ज़्यादा अच्छा करने के लिए आपको हाई क्वालिटी का कॉइल और पर्दा लगाना पड़ता है, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्ट सेंटर पे मिल जाएगा, जिसे आप लगाकर उसकी क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं। इसके नीचे रेंज का भी कॉइल पर्दा आपको मिल जाएगा, लेकिन हाई रेंज में आपकी क्वालिटी उससे थोड़ा बेहतरीन होगा और साउंड क्वालिटी भी
अच्छा रहता है। तो आप अच्छे क्वाइल और पर्दा का उपयोग करें स्पीकर वाइंडिंग में, ताकि आपको बार बार शिकायत ना आए और अच्छा स्पीकर की आयु बढ़ा रहे। देखिए इसको अब पर्दा लगाने के बाद इसके ऊपर भी हम अब एरल टाइट को इस प्रकार से खोल के इसे मिलाने के बाद हम स्पीकर में इसमें एरल टाइट का उपयोग अब करेंगे। देखिए इस प्रकार इसे हम दोनों फेविटाइट एरल टाइट ये दोनों सेम ग्लू हैं, तो इसको अच्छी तरह से हम पेपर को मिला लेते हैं और पेपर में इसके जो क्वाइल है उसको देखकर हम दोनों तरफ से इसको अच्छी तरह से दे देंगे। देखिए अब बहुत अच्छी तरह से इसकी ग्लू को सभी तरफ लगा लेंगे ताकि ये ना निकले। ये 5 मिनट वाला ग्लू है, 5 मिनट में ये पूरी तरह से सूख जाता है। अगर आप इस प्रकार बीचों बीच ग्लू हेरल टाइट का उपयोग करें तो कम समय वाला करना चाहिए ताकि वो जल्दी से सूख जाए और बहुत अच्छे से चिपक जाए। इस प्रकार के हैवी ग्लू का उपयोग हम इसमें कर रहे हैं ताकि इसमें स्पीकर की क्वालिटी अच्छी हो सके। इसको हम अब हाथों से दोनों हाथों से पकड़ कर अच्छे तरह से इसे चिपकाएंगे, दबाते जाएंगे। आप देखते रहिए इस वीडियो में मैं इस स्पीकर वाइंडिंग की इस प्रकार के वीडियो बहुत इस चैनल में अपलोड करूंगा, जिसे आप बहुत आसानी से इस प्रकार से बना सकते हैं। कि देखिए अब इसमें देखिए ये जो पेपर है उसको जब आधा घंटा हो गया तो मेरा ये जो देखिए स्पीकर अप डाउन हो रहा है इस प्रकार से, ये अब ओके हो गया है, ये बजने के लिए रेडी हो चुका है। इसके जो ग्लू है वो सूखने के बाद इस पेपर को खोलते हैं, तो खोल लिया हूँ। अब देखिए इसमें लीड इसकी वायरिंग करेंगे, इसके लिए हम इसे अच्छी तरह से एक ब्लेड से इसे घिस लेते हैं। लीड के दो वायर हैं तो दोनों वायर को अच्छी तरह से घिस कर उसको प्लास्टिक परत को बाहर निकालना है। और इसके इसमें जो वायर आते हैं लीड के लिए निकालने के लिए, इस प्रकार से वायर जो पतले पतले आते हैं, तो आपको इसमें दोनों वायर का कनेक्शन करना है और इसको अच्छी तरह से सोल्ड कर देना है। तो सबसे पहले हम इसको दोनों वायर को यहाँ पे कनेक्शन करते हैं और कटर से इसको काट लेते हैं। काटने के बाद इसको हम अब सोल्डिंग आयरन जो हमारे पास मौजूद होता है उससे हम इसकी सोल्ड करेंगे। अब इसमें सोल्ड हम अच्छे तरह से सोल्ड करके इस लीड को हम इसमें दो छेद
जो पर्दे में होते हैं वहाँ छेद करेंगे, अगर नहीं होते तो उसको छेद करके हम लिट को हम इसे अंदर की तरफ निकालना है। तो हम सबसे पहले इसको देखिए सोल्ड करके लिट में अच्छी तरह से इसको काट लेते हैं यहाँ से। अब इसके जो लीड हैं दो, इस वायर के कनेक्शन को हम यहाँ पर होल करके इसे अंदर से निकालना है और इसको का, तो हम इसको साइज अनुसार इस देख लेना है और इसको यहाँ से कट कर देते हैं। कट करने के बाद दोनों लीड यहाँ पर देखिए मैंने छेद किया हूँ, देखिए इस छेद को छेद था इसमें, बहुत से जो पर्दा आता है उसमें छेद नहीं रहता, तो इसमें छेद है तो यहाँ पर इस छेद से अंदर हम उसे घुसा लेंगे। घुसाने के बाद इस लीड वायर का कनेक्शन हम जहाँ इसके टर्मिनल पॉइंट जो जोड़ने के होते हैं वहाँ पर इसको लेकर कनेक्ट करना है। और इस प्रकार देखिए लीड वायर यहाँ पे कनेक्शन इसका निकल गया है, देखिए निकलने के बाद हम इस लीड वायर को यहाँ भी अच्छी तरह से सोल्डर कर देंगे ताकि वो मजबूती से अप डाउन हो या तो ज़ोर से बजे तब भी एक एक खिंचाव ना हो, और इसे थोड़ा ढीला करके लगाना है ताकि आपको स्पीकर में अच्छी तरह से टिकाऊ हो और इसकी क्वालिटी हो। तो हम इसको देखिए यहाँ से इसे कनेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद देखिए सब काम होने के बाद ये बजने के लिए ओके है, लेकिन इसके बाद हम इसमें एक कैप लगाएंगे, जो कैप कॉइल में बीच में जो शाफ्ट दिखता रहता है उसको ढकने के लिए होता है। अगर इतना में स्पीकर बजने के लिए तैयार है, लेकिन बजने के लिए तैयार है लेकिन इसमें जो शाफ्ट है उसके बीच में कॉइल जो कॉइल अप डाउन होता है, अगर इसमें कैप को ना लगाएं तो उसमें धूल आ जाएगा, कण आ जाएगा और स्पीकर की जीवन आयु कम हो जाएगी और ये जल्दी से ख़राब हो जाएगा। तो इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पर व्यवस्थित करके इसको हम अब ग्लू से कैप को लास्ट में लगाते हैं। तो इसको हम ग्लू को सबसे पहले एरल टाइट को लेते हैं, एरल टाइट में इस कैप को चिपकाएंगे और एरल टाइट को दो टर्मिनल को दोनों को यहाँ पर मिक्स कर देंगे और इसे हम इस क्वाइल को स्पाइडर को जोड़ने के लिए अच्छे तरह से लगाए थे वहाँ पर फिर से हम कैप के ऊपर हम इस एरल टाइट को लगाएंगे। तो देखिए सभी तरफ ये हो गया है, इसे हम यहाँ पर भी दे देते हैं और कैप में भी दे देते हैं। कैप में भी इसको हम दे देंगे और इसे अच्छी तरह से साफ कर लेंगे और इसे धीरे से हम इसके बीचों बीच जो शाफ्ट है उसके ऊपर अच्छे तरह से लगाएंगे और यहाँ पर गैप होने नहीं देना है। देखिए इस प्रकार हम स्पीकर की वाइंडिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब एक स्पीकर बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, आप भी इस प्रकार की स्पीकर की वाइंडिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें अब इसकी टेस्टिंग मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी, इसकी टेस्टिंग, इसकी साउंड क्वालिटी की।